सब लोग जान रहे हैं कि होली के दिन मधुबनी में खून की होली खेली गई, नरसंहार हुआ, जहां कई लोगों की हत्या कर दी गई। हमने पहले भी कहा था कि बिहार पुलिस जो है वो जेडीयू पुलिस बनकर के रह गई है। बिहार की गलियां, चौराहे, सड़कें, डेली वहां बिहार में सैकड़ों हत्याएं और अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। चाहे नरसंहार का मामला हो, चाहे जहरीली शराब से मारे जा रहे लोग हों, चाहे हत्याएं हो, प्रतिदिन लोग जो हैं वो मर रहे हैं। और अब तक मुख्यमंत्री जी ने चाहे कोई भी घटना हुई हो, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या कॉन्डोलेंस में दो शब्द भी उन्होंने बयान नहीं किया। नारा हुआ करता था नीतीश कुमार जी का कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब ये स्थिति हो गई है क्योंकि बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसको एक ही तरीके से, एक ही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का कि मामला जब गर्म हो तो आप चुप बैठिए, कोई कार्रवाई मत कीजिए, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो एक काल्पनिक एक कथा बना करके, एक स्टोरी बना करके आपको पेश कर दिया जाएगा। आप देखिएगा नीतीश कुमार जी, उनकी पुलिस टीम, कल तो हम खुद मधुबनी हम गए, परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की। आश्चर्य की बात है कि एक पुलिस अधिकारी तक, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या आईजी हो, वो अब तक परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं की। चाहे डीएम साहब हो, अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गए। अब नीतीश कुमार जी से अगर पूछा जाए कि उन्हीं के जातीय और उन्हीं के जिला के कितने पुलिस महकमे में, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या हेडक्वार्टर्स में, कितने उन्हीं की जाति के लोग हैं, कोई कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। और हंसी की बात है कि मुख्यमंत्री जो हैं कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी पुलिस पर है। ये सब लोग जानते हैं कि पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है, लेकिन नीतीश कुमार जी, आप गृह मंत्री हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं? अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और इतनी दर्दनाक घटना हुई कल तो, हम लोगों का जिस प्रकार से नरसंहार किया गया, कई गोलियां मार करके, उसके बाद जो नेपाल का जो भुजाली जो होता है खुखड़ी, उससे जो है पेट काट के, अतरी निकाल के, गला काट के, रंग के, 4 घंटे बाद जो है पुलिस आती है, बल्कि केवल 3 से या 4 किलोमीटर ही दूर वहां थाना है जो मोहम्मदपुर गांव से बेनीपट्टी में, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। और आप देखिएगा कि अब तक उस परिवार को वहां सुरक्षा नहीं दी गई।
और इस नरसंहार मामले में जब हमारी परिवार के लोगों से बात हुई, पीड़ित परिवार के लोगों से, तो उनका कहना यह है कि जो डीएसपी है, जिसके ऊपर अभी जांच करने की जिम्मेवारी है, जो प्रवीण झा रावण सेना संगठन जो चलाने का काम करता है, उससे काफी अच्छे ताल्लुकात। कल हमने फोटो भी जो है वहां जो लोग मीडिया के लोग गए थे, हमने वहां के अधिकारियों के साथ प्रवीण का फोटो भी हमने जारी किया। अब परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसको जो है नेपाल छोड़ा गया। अभी हमको तुरंत सूचना मिली कि अभी नेपाल से प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हमको अभी सूचना मिली है। अब होली से अब तक, कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती, यानी पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। एक बार मुजफ्फरपुर में शराब में गाड़ी से बच्चों को एक्सीडेंट में मार दिया गया था, एक बैठा बीजेपी के जो थे उनकी भी ऐसी की गई, भगा दिया गया। आप देखिएगा जो तरीका जो है काम करने का, चाहे गोपालगंज में जो हत्याकांड हो, वहां भी कौन लोग इन्वॉल्व थे, किनको बचाया गया। चंपारण में भी एक पार्षद की हत्या की गई थी, वहां किसके विधायक थे, क्या कार्रवाई हुई। कटिहार में हमारे जो नेता थे उनको 27 गोली मारा गया, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां उसको गोली ना लगी। चाहे बालिका गृह मामला हो, सृजन घोटाला हो, बिहार पुलिस यानी जेडीयू पुलिस का एक ही तरीका है काम करने का। यहां बेसहारा बेचारे और जो हकदार हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं करती। यहां सुरक्षा जो गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनकी सुरक्षा बिहार पुलिस करने का काम कर दी है। रुपेश हत्याकांड में क्या हुआ, आप सब लोगों ने आवाज को उठाया, क्या तरीका था। अभी भी अगर रुपेश जी के धर्मपत्नी से अगर मिलिएगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, इनसे बिहार संभालने वाला नहीं है। आप बताइए, उनकी हत्या की गई जो देश की सेवा करके आए, एक बीएसएफ अधिकारी की मार दिया गया, एक आर्मी से बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड, उनके परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया, एक बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस पे शक है परिवार के लोगों का, जो संरक्षण दे रहा है अपराधियों का, जो पुलिस अधिकारी, उसी को जो है जांच का जिम्मा नीतीश कुमार जी ने दिया है। अब जो खुद कल्प्रिट है वो कहां से फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कहां से उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष के लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे 75 ML हैं, उनके 40 है और जो कह रहे हैं कि भाई पब्लिसिटी करना। आप जो है बिहार पटना से एक जिला से बाहर आप निकलते नहीं है, आप पीड़ितों के आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, आप उनको दिलासा नहीं दिला सकते, भरोसा नहीं दिला सकते न्याय का, तो क्या विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठेगा। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए, दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो क्यों नहीं गए, इतने बड़ी घटना हो गई। अब इसमें जब परिवार के लोगों से हमारी बात हुई तो एक दिन पहले, होली के एक दिन पहले, वहां के जो स्थानीय विधायक हैं विनोद नारायण झा, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, वो भी वहां
एक दिन पहले कई लोगों के साथ जो प्रवीण है, जो उनका संगठन लंका, ये रावण सेना जो चलता है, उनके साथ बैठकर की मीटिंग की गई है, जो कि हमको परिवार के लोगों ने बताया। और इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट जो संरक्षण देने का काम किया गया उस संगठन को, उस व्यक्ति को जिसने नरसंहार कराया, उसके जो हेड है, जो गुरु है, वो विनोद नारायण झा है। आप देखिएगा, यही गोपालगंज में कौन किसका विधायक, चंपारण में जो हत्या की गई पार्षद का, वो किसका विधायक, जेडीयू का, गोपालगंज वाले जेडीयू के विधायक। मुंगेर से AK-47 मिलता है, कौन भैया, तो जदयू के। अभी शराब कांड जिसके यहां पकड़ाए गए जो मंत्री, कौन भैया, राम सूरत राय, उनके भाई, अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, कौन भाई, बीजेपी का। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां नीतीश कुमार जी अपराधियों को पूरी तरीके से संरक्षण दे रहे हैं। इतने बेबस, इतने लाचार मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, इंटरेस्ट उनका ही नहीं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे। हम वहां जाकर के पीड़ितों का आंसू पोंछ रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री जोर तोड़ में लगे हुए कि भैया कुर्सी कैसी बची रहे। और मुख्यमंत्री अपने बयान में कहते हैं, किसी को पता है कि हम क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, यही काम है ना मुख्यमंत्री का, क्या बैठ करके जोर तोड़ अपना कुर्सी बचाते रहे। इतनी घटनाएं हो रही है बिहार में, कहीं आज तक नहीं दौरा मुख्यमंत्री का, बल्कि नीतीश कुमार के मंत्री, जब हमारे, जब लोग, हमारे विधायक सब लोग जब पहुंचने लग गए मधुबनी, उसके बाद कई मंत्री लोग, एक आध मंत्री भी गए, उन्होंने कहा कि नरसंहार है। नीरज बबलू, उन्होंने कहा कि नरसंहार है। मुख्यमंत्री अभी भी खामोश, कोई टिप्पणी नहीं, पुलिस अपना काम देख रहा है। उनका था कि भाई यहां सुशासन का राज है, यहां तो पूरी तरीके से राक्षस राज आ गया। रावण सेना काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं कि रावण सेना है कि नहीं। बिहार में क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चलता है, कभी कहते हैं कि अखबार पढ़ते ही नहीं है, कभी कहते हैं कि अखबार में देखा। ये बिहार के मुख्यमंत्री, या तो एकदम वेरी, ही इज नॉट एक्टिव, इसका मतलब यही, या तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो इस मामले से बचना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके अंडर होम मिनिस्ट्री है और पुलिस डिपार्टमेंट है। यही तीन कारण हो सकते हैं, और तो कोई कारण हमको नजर नहीं आ रहा। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, और हमको जहां तक लग रहा है, नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, और जो 40 सीट पर आ गए हैं, हालांकि 35 ही सीट था, वो तो चुनाव आयोग के नतीजे में आ गया 40 सीट, हमको लगता है डिप्रेशन के दौर में गुजर रहा है, भारी डिप्रेशन में। 15 साल के इतिहास में, 15 साल में जितना जेडीयू ऑफिस नहीं गए होंगे, उतना हम उनको इस कुछ चंद महीनों में घुमा दिए। और बताइए, मेरे जाने के बाद हमको सूचना, अभी आज अभी खबर आ रहा है, हमको किसी ने बताया
कि गिरफ्तारी हुई तो इनको तो ऐसे ही नचाना पड़ेगा, अगर हम जाते नहीं तो शायद गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन अभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा, केवल जो संगठन चला रहा है प्रवीण झा उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि इसमें वहां के स्थानीय जो विधायक हैं विनोद नारायण झा उनका इन्वॉल्वमेंट है। कल हमारी एसपी साहब से बात हुई थी वहां के फोन पे, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसके बाद इमीडिएटली फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, इमीडिएटली। अब तक सबूत जुटाने के लिए कोई भी फॉरेंसिक टीम जो है वहां नहीं पहुंची। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? आप लोग होशियार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि केस को कमजोर बनाना चाहते हैं और जो दोषी है उसको बचाना चाहती है सरकार, वहां की पुलिस। तो ये हमारे पार्टी के लोगों ने, वहां के परिवार से हम लोग मिले, एक पूर्व में बीएसएफ के जवान जो थे उनकी तीन तीन बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं, दो छोटे बेटे हैं, इतनी महिलाएं विधवा हो गई, इतने बच्चों के पिता का छाया जो है उन पर से उठ गया। नीतीश कुमार जी के लिए दो संवेदनाएं भी उन्होंने प्रकट नहीं किया। हम लोगों ने मांग की थी वहां की, भाई उस परिवार को कम से कम सुरक्षा तो दे दीजिए, सुरक्षा दें, सरकारी नौकरी दें, और अपराधियों को, जो लोग इसमें मेनली इन्वॉल्व्ड हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उसको सजा मिले। हमारे पार्टी के तरफ से जो महंत, एक महंत की हत्या हुई, उनकी धर्मपत्नी को हम लोगों ने 1,00,000 रुपए का मदद किया है। जो राणा प्रताप सिंह जो बीएसएफ के पूर्व जवान थे उनको 5, उनकी धर्मपत्नी के नाम पर हम लोगों ने उनको 5,00,000 का चेक सौंपा है, और जिनके परिवार सुरेंद्र सिंह उनका 5,00,000 जो है आज आरटीजीएस हो गया। तो इसलिए 5,00,000 हम लोगों ने 11,00,000 की जो है मदद की है, अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन असली काम जो है उनको न्याय दिलाना है। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि न्याय के लिए इतना लड़ना पड़ता है, नाक रगड़ना पड़ता है इस कुशासन और राक्षस राज में। हत्या हो जाती है फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है, एविडेंस है, सब कुछ है, उसके साथ पुलिस जो छेड़छाड़ कर रही है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति अभी बनी हुई है। तो इससे अगर कोई रिलेटेड और कोई प्रश्न अगर आप लोगों का होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप अभी तक नहीं मानते कि नरसंहार? तो उनके मंत्री मान रहे हैं, स्थानीय जो विधायक है विनोद नारायण झा, नीतीश कुमार जी का मानने नहीं मानने से कुछ होने वाला है, जो है तो है, हुआ है। इसको नीतीश जी एक बार जरा गांव घूम के आए ना, उनको पता है क्या? उनको तो वही डीएसपी खबर कर रहा है जो डीएसपी के साथ फोटो है प्रवीण झा का, असली रिपोर्ट तो उसी का ना है भाई। जो डीएसपी रिपोर्ट करेगा एसपी को, एसपी रिपोर्ट करेगा कमिश्नर को, कमिश्नर रिपोर्ट करा मुख्यमंत्री को, तो क्या क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार जी तो वही डीएसपी जिसको तत्कालीन बर्खास्त करके सजा देना चाहिए, एसपी का ट्रांसफर कम से कम सस्पेंड करना चाहिए। वहां के परिवार के लोगों ने हमको कहा कि जब तक डीएसपी और एसपी रहेंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिल सकती। वहां उसके परिवार कह रहा है भाई, और नीतीश कुमार जी उन
जो पीड़ित परिवार है उसका नाम सुन करके वो डीएसपी की बात मान रहा है। ये होते हैं क्या मुख्यमंत्री, जो अधिकारी पढ़ा दे। होता क्या है इस राज्य में, जो न्याय के लिए आवाज उठाता है उस पर 307 का केस होता है। कितने पुलिस एक्टिव थी विधायकों को पीटने में, और मेरे ऊपर 307 का हत्या करने की कोशिश। कितना जल्दी मेरे ऊपर केस हुआ, कौन से लॉजिक से हुआ, किसी को नहीं पता। यहां परिवार चीख चीख के कह रहा है विनोद नारायण झा। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए कॉन्स्पिरेसी का केस? अलग अलग लोगों के लिए तो पुलिस है क्या? तो कह रहे जदयू पुलिस है भाई, जेडीयू पुलिस अब क्या करेगी? हमने तो इतने इंसिडेंट की एग्जाम्पल दिया है कि भाई कहां कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, सब लोग बचे हुए। अब मैं पूछ रहा कि राम सूरत राय के भाई गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, कुर्की जब्ती हुई कि नहीं हुई, जमीन में थाना खुला कि नहीं खुला। ये तो नीतीश कुमार जी का तरीका है काम करने का, भाई मामला ठंडा दीजिए। आप उम्मीद रखिए मामला भी ठंडा देंगे। आप देखिए सारे मामले तो ठंडे हो ही ना गए। सृजन घोटाले का जो मुख्य आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है कि नहीं घूम रहा अभी? क्या नाम था उनका जो मर गई, मनोरमा देवी के पुतो और बेटा, खुलेआम घूम रहे हैं भाई। सर विनोद नारायण झा सोशल मीडिया के माध्यम से ये बोले हैं अपने आप पे जो आरोप लग रहा है उसको बेबुनियाद बता रहे हैं, बोल रहे इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वही जांच करेगा जिस पे आरोप लग रहा है। वही सवाल जवाब दे रहे हैं कि जांच अच्छे से हो, हम इस पे बेबुनियाद है, हम बेकसूर है सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए कौन क्या कहता है, राम सूरत राय भी तो यही कह रहे थे जब हमने कुछ सवाल पूछा कि भाई आपने उस टीचर को जो पकड़वाया बेचारे को लीज किया होगा ना, एग्रीमेंट किया होगा, हम तो खाली कुछ नहीं मांगे, बोले कागजे दिखाना दीजिए, हम मान लेंगे कि आप दोषी नहीं है। तो ये लोग आप फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, विनोद नारायण झा का नंबर और थाने प्रभारी का नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकालिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये मेरा चैलेंज है, चुनौती है। क्या इसको स्वीकार करेंगे, क्या विनोद नारायण झा अपना कॉल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे अपने मोबाइल का? जरा पूछ के आइए, हम लोग तो नहीं ना निकाल सकते हैं भाई, पुलिस से ना निकाल सकता है, या जिस पे आरोप लग रहा है वही ना अपना सर्वर से मांग करके दे सकता है, दिखा दे। आपने अभी चर्चा किया वो प्रवीण झा के बारे में, एक नेपाल में खबर मिल रही है, एडीजी ने इसकी पुष्टि कर दी है अभी कि प्रवीण झा, चंदन झा, मुकेश साफी और 5 लोग जो इसमें अभियुक्त थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इस पर प्रतिक्रिया देंगे? प्रतिक्रिया क्या है, कल तक एक भी नामजद जो लोग थे उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आपने तो बता क्या है नेपाल ले गया है। अब वहां के परिवार के लोगों ने बोला कि पुलिस तो भैया नेपाल छोड़ने ले गई है। हम कल आए हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता चला, ठीक पहले गिरफ्तारी हो जाती है। ये पॉलिटिकल दबाव नहीं, इसमें वही लोग इन्वॉल्व है, पुलिस को पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या अपराध किसने क्या किया है, लेकिन जेडीयू पुलिस है। दबाव मामले से इनकार, आपको क्या लग रहा है सैकड़ों हत्याएं बिहार में हो रही हैं, पुलिस अपना काम कर रही है क्या? पुलिस को तो इंटरेस्ट है लीडर अपोजिशन पे 307 का मुकदमा करो, और कैसे कॉन्स्पिरेसी और किया जाए, और क्या झूठा मुकदमा इंजाम लगाया जाए। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं खगड़िया में जाके देखिए कैसे जबरदस्ती मुकदमा करके जेल में डाल रहा है, हमारे नेताओं की हत्या हो रही है, 27-27 गोली मारा जा रहा है, हमारे विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है लात जूतों से, ये पुलिस का काम बस। और जहां जहां हमने उदाहरण दिया है, चाहे गोपालगंज में क्या हुआ भैया, कोई कार्रवाई की गई क्या किसी के विधायक पर? चंपारण में जो बेचारी आई थी उस पर हत्या हो गया, जो पार्षद की जो वाइफ थी, कौन विधायक थे भाई, किसके विधायक थे, कोई कार्रवाई की गई क्या?
क्योंकि जदयू के विधायक मंत्री जी का भाई गिरफ्तार नहीं होता कि बीजेपी में है। कौन लोग हैं भाई ये सब? AK-47 मिलता है किसके विधायक है? आप ये कह रहे हैं कि जी 307 का जो मामला हुआ था, क्या उसमें आपने नीतीश जी केवल एक जिला तक ही सीमित रह गए हैं और एक जाति तक ही काम कर रहे हैं। देखिए इसमें तो विनोद नारायण झा जी को पकड़ना चाहिए, लगता है न्याय मिलेगा बिहार सरकार। अब तो हमारे पार्टी के जो लोग हैं वहाँ मधुबनी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी महागठबंधन के नेताओं ने कल ये निर्णय लिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दिन मधुबनी जिला को बंद करने का निर्णय वो लोग लेंगे। अभी वो लोग डेट फिक्स करके, हमको लगता है कि अभी वहाँ 11-12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बताने का, तो दबाव था सरकार पर। अरे आपको नहीं ताजुब लग रहा कि हम कल गए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले जो है गिरफ्तारी हो जाती है, और होली से अब तक क्या हो गया? 3 किलोमीटर उस समय पुलिस नहीं आई होली वाले दिन, 3-4 किलोमीटर थाना है उस गांव से, मोहम्मदपुर गांव से, उस समय पुलिस नहीं पहुंची, 4 घंटे बाद आती है। अरे हम मानते हैं कि आप तस्वीर ही बयां कर रही है भाई, और वहाँ के स्थानीय लोग से ज्यादा और कौन बताएगा, उस परिवार से ज्यादा और कौन बताएगा? देखियो हमारे 75 विधायक हमारे बोलने से उनका ना पब्लिसिटी हो रहा है, वही ना हम कहेंगे उनका सब 40 से विधायक है, वो भी चुनाव आयोग के नतीजे के बाद। अच्छा आप पर जो 307 का मुकदमा हुआ था, क्या आप उस मामले पर आपने बेल ले लिया? नहीं ना, हम तो देखिए मुकदमा तो कितना मुकदमा कर दिया आपको पता ही नहीं, जब से इलेक्शन से अब तक 5 मुकदमे हो चुके हैं। किस बात का बिल लेना? अगर पुलिस को लगता है तो भाई आप सवाल पूछे ना कि तेजस्वी यादव किसका हत्या कर रहे थे, हत्या का प्रयास अगर हमने किया 307 तो किसी का हत्या तो कर रहे होंगे ना भाई, चुनाव के दौरान भी मेरे पे हत्या का आरोप लगा, क्या हुआ? ये लोग चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद में ये लोग डराने धमकाने वाला काम करते हैं, लेकिन इन लोगों से कोई डरने वाला, इन लोगों को नचाने का काम करना है। चलिए अपना कुर्सी बचाने में रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।